नमस्कार दोस्तों, शिव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। इसके साथ ही तरंग प्रकृति के तरंग लक्षण भी देखेंगे, जैसे आयाम हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया, आवृत्ति हो गया। चलिए शुरू करते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति मैक्स प्लैंक ने दिया था। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति किसने दिया था, तो मैक्स प्लैंक ने दिया था, ठीक है। जिसके अनुसार उन्होंने चार प्रकार से अपने नियम को प्रतिपादित किया। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि ऊर्जा का उत्सर्जन किसी भी स्रोत से सतत रूप में विकिरण या तरंग के रूप में होता है। कहने का मतलब ऊर्जा जो भी किसी स्रोत से निकलता है तो विकिरण या तरंग के रूप में निकलता है, या तो विकिरण या तो तरंग। तो चाहे सूर्य की ऊर्जा हो, चाहे किसी भी स्रोत से, या तो चाहे टार्च या विद्युत बल्ब किसी से भी आप ले लें, सभी की ऊर्जा जो होती है विकिरण या तरंग के रूप में निकलती है। दूसरा क्या है, विकिरण जो है विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच ही विकिरण होता है, जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कहने का मतलब जैसे हम देखते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इसको मान लेते हैं अपन विद्युत क्षेत्र और इसको मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र, तब विकिरण जो है एक दूसरे के लंबवत करती करती। इस प्रकार से जो विकिरण होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, और दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तीसरा है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, अर्थात 3×10^8 मीटर पर सेकंड। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, अर्थात इनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। चौथा है, तरंगों की संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो ये तरंगे होती हैं किसी भी माध्यम में गमन कर सकती हैं, उन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं, अर्थात निर्वात में भी, वायु में भी, जल में भी, सभी माध्यमों में तरंग जो है गति कर सकती हैं, इन्हें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य से आने वाली किरणें निर्वात से होकर गुजरती है, फिर माध्यम में भी गुजरती है, अर्थात इनसे तरंगे निकलती हैं जो कि माध्यम पर निर्भर नहीं करती। चलिए अब देखते हैं तरंगों के अभिलक्षण। जैसा कि हमने देखा कि तरंग जो होती हैं विकिरण या ऊर्जा के रूप में होती हैं, सॉरी, और ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, और विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य की परिभाषा देखेंगे। यहाँ पर हम परिभाषा लिखी नहीं है, किंतु आप लिख सकते हैं। तो हमारा ये तरंग है, श्रृंग और गर्त के रूप में गति करती है, और विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर निर्भर करती है। तो हम इनकी परिभाषाएं देखेंगे। सबसे पहले हम तरंग दैर्ध्य की परिभाषा देखेंगे। तो ध्यान दें, ये जो तरंग दैर्ध्य का ऊपरी भाग है इसे श्रृंग कहा जाता है, और निचला भाग इसे गर्त कहा जाता है, मतलब ऊंचाई को श्रृंग और गहराई को गर्त। तरंग दैर्ध्य की परिभाषा क्या है, तरंग के किन्हीं दो श्रृंगों या किन्हीं दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। तरंग जो है विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के बीच गति करता है, तब किन्हीं भी दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किन्हीं भी दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति क्या कहलाती है, आवृत्ति का मतलब होता है कि श्रृंग और गर्त की संख्याएं, मतलब एक सेकंड में कोई भी कंपन है कितने बार होता है। क्योंकि कण जो होता है तरंग के रूप में कंपन करते हुए आगे चलता है, तो एक सेकंड में किसी एक कण के द्वारा, एक सेकंड में या इकाई समय में एक कण के द्वारा कंपन की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। अर्थात कोई कण एक सेकंड में जितने बार कंपन करेगा उसकी वो आवृत्ति कहलाएगी। तो तरंग दैर्ध्य क्या कहलाता है, दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इकाई समय या एक सेकंड में कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। अब हम देखेंगे तरंग का वेग।
जैसे हमने देखा कि एक सेकंड में कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाएगी, तो सेम परिभाषा है तरंग का वेग कि एक सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी वेग कहलाती है। अर्थात कोई भी कण है कंपन के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो एक सेकंड में जितना दूरी तय करेगा उसका वह वेग कहलाएगा। अर्थात किसी कण के द्वारा इकाई समय या एक सेकंड में तय की गई दूरी ही तरंग का वेग कहलाता है। अब हम परिभाषा देखेंगे आयाम। हम पहले भी बता चुके हैं कि ऊपरी भाग श्रृंग और निचली भाग गर्त। तो किसी भी श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई या गर्त की अधिकतम गहराई आयाम कहलाती है। जब कण तरंग के रूप में कंपन करते हैं तब श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। तो श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई या गर्त की अधिकतम गहराई ही क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। तो आयाम की परिभाषा क्या है? श्रृंग की अधिकतम कण के श्रृंग की अधिकतम गहराई या गर्त सॉरी श्रृंग के अधिकतम ऊंचाई या गर्त के अधिकतम गहराई को आयाम कहते हैं। तरंग दैर्ध्य किन्हीं दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। आवृत्ति क्या कहलाती है? एक सेकंड में कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। और तरंग का वेग क्या कहलाता है? कि इकाई समय या एक सेकंड में कण के द्वारा चली गई दूरी ही तरंग का वेग कहलाता है। अब आगे देखें तो यदि आवृत्ति की बात करें हम, तो आवृत्ति को किससे दर्शाते हैं? म्यू से। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? म्यू से। तरंग के वेग को किससे दर्शाते हैं? सी से। अब यदि हम देखें कि तरंग दैर्ध्य आवृत्ति और तरंग का वेग इनमें क्या संबंध होता है, इनमें संबंध होता है सी बराबर म्यू लेमडा। अर्थात यदि हम म्यू का मान निकालना चाहें तो सी अपान लेमडा, यह इनमें रिलेशन होता है यानी संबंध होता है। अर्थात वेग वेग बराबर क्या हो जाएगा? यह आवृत्ति और ये क्या है? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इस प्रकार से तरंग दैर्ध्य आवृत्ति और तरंग के वेग में संबंध हम दर्शा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज हमने तरंगों की प्रकृति और तरंगों के अभिलक्षण को देखा। हमने इसी के आधार पर डी ब्रॉग्ली समीकरण निकाला जा सकता है जिसको हम बताएंगे। सबसे पहले इसको आप बिल्कुल नोट्स बना लें और अपने नोट्स में इनको ऐड करते जाएं ताकि आगे की केमिस्ट्री समझने में आपको आसान हो। धन्यवाद।